एग्जांपल नंबर 11 देख लीजिए दोबारा। एग्जांपल 11 में ये बोल रहे हैं, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल को मान लो fx हो गया x cube plus 3x square, x cube plus 3x square plus 5x plus 6। एक तो ये है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल को मान लो gx दे रखा है 2x plus 4। अब यहां पर करना क्या है, वी हैव टू एग्जामिन वेदर एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। वी हैव टू एग्जामिन वेदर एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर of fx and gx or not। इस बार देखिएगा, इस बार डिवाइजर को मैंने gx नहीं लिया, इस बार मैंने कहा कि एक तो पॉलिनोमियल ये दे रखा है fx, दूसरा पॉलिनोमियल ये दे रखा है gx। तो इस बार हमसे ये पूछा जा रहा है कि x plus 2 क्या इसका फैक्टर है ये बताओ, x plus 2 क्या इसका फैक्टर है ये बताओ, ये आपको चेक करना है। तो शायद पहले वाला तो हमने चेक कर लिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी दोबारा करते हैं। हम ये कहेंगे लेट अस पुट, ये जो एच एक्स है इस एच एक्स को जीरो के बराबर रख दीजिए, लेट अस पुट एच एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिससे भी मुझे डिवाइड करना होता है, जिससे भी डिवाइड करना होता है यानी कि जो डिवाइजर होता है उसको जीरो के बराबर रख देते हैं। तो एक्स प्लस टू को जीरो के बराबर, एच एक्स को जीरो के बराबर रख दिया, यानी कि एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इट इंप्लाइज दैट प्लस टू उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस टू, x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस टू। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है एफ एक्स में, पुट दिस वैल्यू इन एफ एक्स, पुट दिस वैल्यू इन एफ एक्स, इस वैल्यू को एफ एक्स में डालो तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस टू इज इक्वल टू x की जगह माइनस टू डालेंगे, माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। माइनस टू का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एट, माइनस टू का स्क्वायर हो गया फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, और फाइव इंटू माइनस टू क्या हो गया, माइनस टेन प्लस सिक्स। माइनस एट माइनस टेन कितना हो गया, माइनस एटीन, और ट्वेल्व प्लस सिक्स क्या हो गया, एटीन। तो एटीन माइनस एटीन क्या हो गया, जीरो। तो हम ये कहेंगे यस एक्स प्लस टू, ये जो एक्स प्लस टू था इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स का एक फैक्टर है। ठीक है, पहली चीज तो ये, उसके बाद ये एफ एक्स का एक फैक्टर है क्योंकि एफ एक्स में एक्स की वैल्यू माइनस टू रखने पर रिजल्ट जीरो आ रहा है। अब x की वैल्यू माइनस टू जो है उसको आप जी एक्स में डाल दें, नाउ पुट x इज इक्वल टू, नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस टू इन जी एक्स, जी एक्स में डाल दें इस वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, g माइनस टू इज इक्वल टू टू इंटू माइनस टू प्लस फोर, ये क्या हो गया, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, माइनस फोर प्लस फोर ये कितना हो गया, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। बताओ क्लियर है कि नहीं भाई, मुझे ये चेक करना था कि ये जो है ना एक्स प्लस टू, ये एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो हमने कहा कि हाँ जीरो आ रहा है, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस टू को जीरो के बराबर रखने पर एक्स की वैल्यू माइनस टू आई, माइनस टू को एफ एक्स में रखा तो रिजल्ट जीरो आ रहा है। तो हम ये कहेंगे एक्स प्लस टू एफ एक्स का एक फैक्टर है। फिर मैंने क्या करा,
एक्स प्लस टू को जीरो रखने पर एक्स की वैल्यू माइनस टू आई, इसको अब मैंने रख लिया जी एक्स में, तो जी एक्स की वैल्यू भी जीरो आ रही है, तो हम ये कहेंगे एक्स प्लस टू जी एक्स का भी एक फैक्टर है, ठीक है। देयरफॉर एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स ऑल्सो। समझ में आ गया क्वेश्चन सभी को, क्लियर? अच्छा एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे, एनसीईआरटी सभी बच्चे लाए हैं ना? नहीं है? एग्जाम्पल नंबर 12 में बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। तो ये दे रखा है कि यहाँ पर मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि अगर x minus 1 जो है वो 4x cube plus 3x square minus 4x plus k इसका एक फैक्टर है, तो अगर वो इसका एक फैक्टर है तो हम ये कहेंगे यहाँ पर let the given polynomial be fx is equal to 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। मैंने मान लिया कि जो given polynomial है वो ये है, है ना? तो अब आपको क्या करना है, you find the value of k if x minus 1 is a factor of this, ठीक है? x minus 1 is a factor of fx। ये दे रखा है कि x minus 1 इसका एक factor है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, x minus 1 को 0 के बराबर रखकर पहले x की वैल्यू निकालूंगा। जब भी factor निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमको divisor दे रखा होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं, वैल्यू निकालते हैं x की। तो मैं क्या करूंगा, we put x minus 1 is equal to 0, तो यहां से x की वैल्यू बना गई, ठीक है? तो हम ये कहेंगे सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एट x इज इक्वल टू वन, at x is equal to 1। ये समझ गए मेरी बात कि नहीं? भाई हम ये कहेंगे कि जब हमको पहले तो हमको ना प्रूव करना था या चेक करना था, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था कि x plus 2 इसका फैक्टर है या नहीं, तो हमने x plus 2 को 0 के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, तो फिर मैंने क्या करा कि माइनस 2 को जब एफ एक्स में डाला तो ये पूरा रिजल्ट 0 आ गया। 0 आते मैंने कहा कि ये इसका फैक्टर है, अब इन्होंने दे रखा है कि पहले से ही दे रखा है कि वो उसका फैक्टर है, तो इसका मतलब अगर पहले से मुझे यहाँ दे देते कि वो ये जो x प्लस टू है ये एफ एक्स का फैक्टर है, तो जो x की वैल्यू आई है ना माइनस टू, इसको मैं शुरुआत में ही यहाँ डालकर कह देता कि हाँ ये जीरो ही आया। अगर वो बोल देते कि पहले से ही बता देते कि वो इसका फैक्टर है, तो मैं पहले से ही कह देता कि हाँ वो जीरो के इक्वल आएगा। अब यहाँ इन्होंने बोला है कि एक्स माइनस वन उसका पहले से ही दे रखा है कि फैक्टर है, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रखकर जो एक्स की वैल्यू आई है वन आया ना, वन को एफ एक्स में डालूंगा तो वो जीरो के बराबर ही आएगा, क्योंकि वो उसका फैक्टर दे रखा है। दैट इज एफ वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये एफ वन क्या होगा, ये जो पूरा पॉलीनोमियल है इसमें जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर वन डाल दीजिए तो एफ वन आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया, फोर इंटू वन का क्यूब
प्लस थ्री इंटू वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। वन का क्यूब क्या होता है वन, वन इंटू फोर हो गया फोर, थ्री इंटू वन का स्क्वायर वन होता है थ्री माइनस फोर प्लस के इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस फोर और प्लस फोर तो कैंसिल आउट हो गए तो रिजल्ट क्या आया थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से माइनस थ्री, के की वैल्यू माइनस थ्री हो गई। समझ गए, इन्होंने ये पूछा था कि अगर एक्स माइनस वन उसका एक फैक्टर है तो आप वैल्यू बताइए के की कितनी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, 13 में ये बोल रहे हैं फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एग्जाम्पल नंबर 13, हाँ जी मिड टर्म स्प्लिटिंग आती है सबको, यस सर। हाँ तो इसमें क्या दे रखा है इन्होंने 6x स्क्वायर प्लस 17x इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे ये भी क्वेश्चन नहीं कराया था क्या मैंने, इसका फैक्टराइजेशन मैंने करवाया नहीं क्या? नहीं सर। नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, जब भी हम ये बोलते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है और कॉन्स्टेंट टर्म है, तो हम क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इसके कोफिशिएंट तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है 6 और ये कांस्टेंट टर्म क्या है 5, तो 6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 13। ये प्रोसीजर होता है कि जो आप शुरुआत में एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 × 5, तो ये क्या आ गया 30। अब जो बीच वाला टर्म है ना 17x, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। बीच वाले टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो 17 के बराबर आ जाए, है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो 17 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन आ जाए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, यानी कि 30 के बराबर आ जाए। तो जरा देखो 30 को किस तरीके से किस किस नंबर में आ सकता है, जैसे 1 into 30 क्या हो गया सर, आप बोले हम 17 को तोड़ेंगे ऐसे कि वो प्लस इनटू कर, हां 15 + 2 अगर मैं 15 × 2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 15 + 2 17 बन जाएगा और 15 × 2 क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से करा जाता है इसको। हम और तरीके से भी देख सकते थे, हो सकता है बीच में मेरे को 11x दे रखा होता, अगर 11x दे रखा होता तो मैं क्या करता 6x प्लस 5x करता, क्योंकि 6 5 हो जाता 30, है ना, और यहाँ पर 6x प्लस 5x आ जाता 11x। इसी तरह से सोचो कि अगर बीच में मुझे 31 दे रखा होता तो मैं क्या करता 1x प्लस 30x क्या बन जाता 31x और 1 × 30 क्या बन जाता 30 बन जाता। तो ऐसे आपको लॉजिकली सोचना है, कुछ पेयर्स बना बना कर सोचना है कि हम बीच वाली टर्म को किस तरह से स्प्लिट करें। 17 को किसी और तरीके से कर सकता है, हाँ 17 को कर सकते हो, जैसे हमने करा 14 + 3, तो 14x प्लस 3x क्या हो गया 17x बन गया। ठीक है, 30 यस, लेकिन 30 आना चाहिए, तो 13 और किसी तरीके से नहीं आ पाएगा। ठीक है, हम 17 को बहुत सारे मेथड्स हैं हम कर सकते हैं, 14 + 3 कर दो, 18 - 1 कर दो, बस 30 नहीं आएगा, 30 तो एक ही केस में आएगा 15 और 2 वाला। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ सकता है, 6 और 15 किसी के टेबल में आता है नहीं सर, x सर 3 में, 3 के टेबल में आता है
एक तो 3 ले लेंगे कॉमन और इधर x स्क्वायर भी है और x भी है तो x ले लेंगे कॉमन। तो 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 जा 6 और x स्क्वायर में से x ले लिया तो क्या आ गया x प्लस 5 5 जा 15 तो 2x प्लस 5 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे 2x प्लस 5 आए 1 1 इनटू 2x प्लस 5 अब इधर भी 2x प्लस 5 इधर भी 2x प्लस 5 तो 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया ये 3x प्लस 1 समझ नहीं आ रहा है वाला 6x स्क्वायर वाला ये वाला जैसे 6x स्क्वायर और 15x है तो इन दोनों में मैंने देखा कि x स्क्वायर बड़ा टर्म है और x छोटा टर्म है तो x कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर x कॉमन ले लेंगे अच्छा दूसरे में ये देखूंगा कि इधर 6 है और इधर 15 है तो 6 और 15 किसके टेबल में आता है 3 ठीक है तो 3 2 जा 6 तो इसलिए 2 आ गया। x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो केवल x बचा और x में से x ही ले लिया कॉमन तो x वाला टर्म तो गायब हो गया और 3 5 जा 15 इसलिए फिर 5 आ गया। फिर इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लेंगे कि बीच में 2x + 5 बच जाए ठीक है तो 1 ही लेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2x + 5 है तो जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता उसमें से 1 आ सकता है तो 1 ले लिया ऐसे हो गया। ये होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग और तो अगर हम 3x प्लस 1 पहले तो कोई फर्क नहीं दोनों एक ही बात ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है एक ही तो बात है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये करना है आपको एक्सरसाइज हां जी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ट्राई करिएगा सारे यही हैं फैक्टर थ्योरम वाले मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला नहीं दिया इसमें सिर्फ फैक्टर थ्योरम वाला दिया जिसमें डिवाइजर को जीरो रखकर एक्स की वैल्यू निकालते हैं फिर उसको एफ एक्स में डालते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो बस ये दिया मैंने एक क्वेश्चन दिया था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है इतना कर Thank you.